दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं सोनाली फुगाट के छोटे भाई वतन डाका। तो इनसे पूछेंगे कि सोनाली का अंतिम संस्कार कब होगा, अर्का होगा और उनकी डेड बॉडी कब यहाँ पहुँचेगी। और जो पूरी रिपोर्ट आई है सुधीर के बारे में बात करेंगे कि सुधीर कब से उनके साथ था, कैसे उनके संपर्क में आया, किस तरह से उसने सोनाली को पूरे परिवार से दूर किया, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। तो इन सारे मुद्दों पर सोनाली के छोटे भाई हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। ये बताओ कि जैसे ये सुधीर के बारे में पहले बात करते हैं और पहले दिन से जैसे उसने ये कहा कि भाई उसका हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन अब पूरा मामला खुल के सामने आ गया है, उसके शरीर पे चोट के निशान भी मिले हैं, तो इतना विश्वास पत्र ये कैसे बना हुआ था? ये चुनाव से पहले आया था जी, ये नहीं पता मेरे को कि किसके साथ है, किसने मिलाया। और आपको पता है जी, हमें हर तरह के लोगों की जरूरत होती है, ड्राइवर की भी जरूरत होती है, पीए की भी, कंप्यूटर चलाने वाला और बाकी काफ़ी लोगों की जरूरत होती है। उसी हिसाब से ये हमारे पास है, एज ए उनका सोनाली जी का काम ही देखता था, पीए का। और चुनाव से पहले आया था, जब से यही था, ये काम देख रहा था। लेकिन अभी जैसे उसने पूरे परिवार से अलग कर दिया था सोनाली को, ये साजिश कब से ये रच रहा था? वो तो उसके दिमाग में चल रही थी कि इस तरीके से किन लोगों को दूर करना है। और सोनाली जी को भी नहीं पता लगता था अभी कौन लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कौन नहीं। तो क्योंकि जो पीए होता है उसी के पास फ़ोन आते हैं ज़्यादा, या फ़ोन भी सोनाली जी का ज़्यादा वही हैंडल करता था। जो आगे से मैसेज मिलता था भी आप बिजी हैं अभी 2 घंटे या अगले दिन करना ये वो, जैसे हम फैमिली के लोग थे, हम तो फिर भी जैसे मैं तो यहीं रहता था। बाकी लोगों से दूरियां तो बना दी उन्होंने, उसने काफ़ी लोगों की दूरियां बन गई थी उसी के कारण। और यहाँ भी उनका बोलने तरीका थोड़ा सा अलग था, तो लोग उस बात से नाराज़ भी थे जी। और यहाँ जो डंडूर फार्म हाउस है, यहाँ भी जैसे दोनों बहनें आपके साथ थी, उनसे बड़ी उसने यहाँ भी बीच में मकानों के बीच में दीवार खिंचवा दी थी। हाँ, वो इस तरह से गाइड करता था भी, आप ये बना लो, ये कर लो, वो कर लो, भी ऐसे कर लो, इनको आने ना दो यार। मतलब जो गाइड करता है तो इंसान की चेंज तो होता ही कुछ ना कुछ, तो इस तरह वो गलत तरीके से गाइड करता था हमको। और जैसे अभी जो नोएडा में प्रॉपर्टी है, दिल्ली के गुड़गांव में, उसकी भी चाबियां सारी उसके पास हैं, कहीं उसने प्रॉपर्टी कुछ अपने नाम तो नहीं करवा रखी ऐसा कुछ? वो तो देखो वही बता पाएगा जी। देखो इतना तो मेरे को नहीं पता भी कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है। हमें तो जैसे भाई वहाँ पहुँचा है 23 तारीख को 7:30 बजे, वहाँ से फिर वो 7:30 बजे हॉस्पिटल, फिर उसके बाद वो उसके पास गया, उन्होंने पूछा भी क्या सामान था सोनाली जी का भी, तो उन्होंने कहा भी यही सामान है जो है, उन्होंने कहा भी घर की चाबियाँ कहाँ हैं, उन्होंने कहा भी घर की चाबियाँ तो गुड़गांव फ्लैट में, भाई ने कहा भी गुड़गांव फ्लैट की चाबी दे दो, घर तो हमें खोलना ही है। पीछे जब सिस्टर जाते तो सारा घर लोग ही होता था, कोई पीछे तो रहने वाला था ही नहीं, बेटी है हॉस्टल में रहती है, घर तो बंद ही था। वो कहता है भाई गाँव वाला फ्लैट तो मेरा है। तो मान ली उनकी कुछ, अब मैं तो पहले ही सकता, जिस टाइम उनका फ़ोन आया अभी ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, आपकी सिस्टर नहीं रहे, अब मन मानता नहीं थी, हार्ट फेल हो ही नहीं सकता उनका, क्यों फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर जितनी बार बात की हर बार उसने अलग बयान दिए, हमें शक तो था ही, और वो रिपोर्ट में अब आ ही गया है जी, हत्या हुई उनकी। तो वो गुड़गांव की प्रॉपर्टी के अलावा जो डंडूर की प्रॉपर्टी है या हिसार की, क्या उस पर भी कोई कोई शक है कि उसने कुछ अपने नाम कुछ करवा रखा है? देखो जी, वो तो धीरे धीरे पता चला, ये तो हमें तो देखो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सोनाली जी के पास ही हैं, जो जिनकी जैसे जो प्रॉपर्टी होती है मालिक के पास ही होते हैं, वो तो देखने से पता चला क्या किया है उसने, क्या नहीं करवाया है। अभी तो हमारे पास ऐसा कोई घर बंद पड़ा है जी, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कोई है नहीं, वो सोनाली जी को पता है कहाँ रखे हैं, क्या है उनका। और फ्लैट की चाबी जैसे उसने देने से मना कर दिया, फ्लैट की चाबी तो हमने जैसे मांगी भी, घर की चाबी उसने कहा भी गुड़गांव वाले फ्लैट में, इसलिए हमने कहा भी गुड़गांव वाले फ्लैट की चाबी दे दो, हमें घर की चाबियां ले आई, तो उसने खुद ही बोला भी वो फ्लैट तो मेरा है। तो उसकी बैंक की डिटेल, ATM, पासबुक सारी उन्हीं के पास रहती थी, वही हैंडल करते थे? हाँ, ये नॉर्मल सी बात है, कोई एक बंदा तो ऐसा होता है जो काम के लिए हम बैंक में भेजते हैं, आपको पता भी जो आदमी इस स्तर पर पहुँच जाता है तो बैंक में जाने के लिए, मार्केट से सामान लाने के लिए, जैसे यहाँ भी काम चलता था, चार साल से काम चल रहा था, तो वही देख रहा था 2-3 साल से काम। तो ऐसे भी सुनने में आया कि यहाँ पीछे कुछ चोरी हुई थी, उसका आरोप भी उसने कुछ यहाँ जो कुक है नौकरों पर लगवा के उनको निकलवा दिया था यहाँ से। आदमी उसने चेंज करी है, हर बार चेंज करता था, दो चार महीने में जो भी कोई भी रहता था उसे चेंज करवा देता था, ये काम नहीं करता, ये वो नहीं करता, साजिश के तहत ही काम कर रहा था वो। और करीब 20 लाख से ऊपर चोरी हुई थी, उसमें ज्वेलरी थी, जैसे हमने सिस्टर की शादी में डाली वो थी, अपनी थी, जीजा जी की थी, कुछ पैसा था जो यहाँ काम चल रहा था, लेबर को पैसा देना था, क्योंकि अगर
घर में अगर पैसे हैं तो घर के बंदे को पता होता है, उसको ही पता था भी आज पैसे आए हुए हैं। अगर चोरी पहले होती तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, अब बाद में होती तो भी कुछ नहीं मिलता, वो उसी टाइम चोरी हुई है। जैसे दो जैसे पैसे आ जाए उसके तुरंत बाद चोरी होगी, तो कि वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही पूरी है। प्रॉपर्टी का तो उसने खुद खुलेआम ही कह दिया भी गुड़गांव वाला फ्लैट मेरा है। अगर वो अपनी जगह सही होता तो उसका ये गुड़गांव फ्लैट की चाबी रही आपकी, ये आपकी घर की चाबियाँ रही, तो उसने तो सीधा बोल दिया भी मेरा गुड़गांव वाला फ्लैट मेरा है। तो ये जैसे चुनाव के समय से आया था उसमें जिस तरह से ये परिवार से दूर करना, या पीछे बीच में सुनने आया भी खीर में भी उसने कुछ दिया था, क्या परिवार को कहीं भनक नहीं लगी, या सोनाली ने कभी जैसे मम्मी से भाई से शेयर नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है या कहीं कोई दबाव डाला जा रहा है? ऐसी बात देखो कोई दबाव वाली कोई ऐसी बात हमारे साथ कभी शेयर नहीं, लेकिन एक दो बार उन्होंने कहा भी हाँ भी तबीयत खराब हो जाती है खाना खाने के बाद, हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, होगी होगी, सब सारा दिन घूमते रहते हैं, कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली, थकान होगी इसलिए होगी तबीयत खराब, हमने उस बात को सीरियस, हम तो ये कहते हैं हाँ कोई डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से। उसी दिन भी 22 तारीख को भी यही बात हुई माँ से भी आप डॉक्टर को दिखाओ, वो कहती है चलो दिखाएंगे, सुबह तो उनका फ़ोन ही आता भी वो नहीं रहे जी। और जैसे रात को आखिरी बार जब फ़ोन पे बात हुई थी तब ऐसा लगा कि जब फ़ोन कट हुआ है उनके कमरे में कोई आया है, और जैसे अभी पता चल गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पे चोट के निशान भी हैं, उनको मारा गया है काफ़ी मुक्कों से डंडों से मारा गया था, उनको तड़पा तड़पा के मारा गया है, यानी कि हाथापाई हुई है और उन्होंने अपने बचाव की काफ़ी कोशिश की है सोनाली ने इसमें। हाँ की होगी जी, देखो वो तो भगवान को पता है सोनाली को पता है क्या हुआ था उनके साथ। और जैसे अभी ये बता रहे हैं कि बीच में भी एक बार सोनाली ने उनको धमका दिया था, उनको हटा भी दिया था, बाहर कर दिया था, फिर वो बीच में आए हैं, उन्होंने पैर पकड़े हैं, माफ़ी मांगी है, ऐसा भी कुछ बीच में कोई विवाद हुआ था? हाँ उनको वहाँ से भी आप काम करोगे लेकिन यहाँ नहीं रहोगे हमारे पास, 14 सेक्टर में पता नहीं कहाँ रहने लग गया, लेकिन वापसी फिर वो आ गए थे, वही दोबारा काम शुरू कर दिया उन्होंने। ये चीज़ें तो देखो हमें पता नहीं था भी ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि चलता रहता है हमारे पास, हमारा भी किसी साथ झगड़ा हो जाए दोबारा आ जाए तो हम सोचते चलो ठीक है करो काम कोई बात नहीं जो हो गया, लेकिन ये नहीं पता था भी ये कोई साजिश के तहत कर रहा है काम। इनके बारे में कुछ डिटेल आपने निकाली, अभी सुधीर कौन से गाँव का रहने वाला, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी पत्नी बच्चे कौन है क्या है? रोहतक रहते हैं जी इनकी फैमिली। अच्छा, और गाँव कौन सा है जिनका? गाँव मेरे ध्यान नहीं एक बार। जी जी जी, तो ये थे हमारे साथ सोनाली फुगाट के भाई वतन डाका, उन्होंने पूरी बातें बताई हैं उनके बारे में। और मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी, आप देखते रहिए, धन्यवाद।